हेलो दोस्तों, एम के एन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। और दोस्तों, अपडेट है यहां पर इंटरव्यू रिजल्ट की, यानी कि दोस्तों आरपीएससी ने कल भी एक इंटरव्यू का जो रिजल्ट है वो जारी किया था, और दोस्तों आज भी दो विषयों का यहाँ पर इंटरव्यू का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कितना कट ऑफ बढ़ा है इंटरव्यू के बाद में, और यहाँ पर कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और क्या मेरिट रहा है, वो सारी डिटेल मैं आपको इसमें बताऊँगा। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई है उन कैंडिडेट के रोल नंबर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सामने आज का ऑफिशियल नोटिस है म्यूजियोलॉजी का, यानी कि दोस्तों इसका यहाँ पर इंटरव्यू का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। और दोस्तों, इनका जो इंटरव्यू है वो कल ही हो गया था, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो आज जारी किया गया है। इसमें दोस्तों मुख्य सूची यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है, यानी कि दोस्तों इन कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है, और यहाँ पर लगभग दो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर इसका जो कट ऑफ है जनरल यानी कि मेल का, वो 127.35 पे इसका कट ऑफ रहा है। इस कैंडिडेट की यहाँ पर जो है DOB यहाँ पर बताई गई है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये तो है मुख्य सूची, अगर ये कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो साथ में इनकी जो रिजर्व लिस्ट है यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है आरक्षित सूची, वो यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं। और इसका कट ऑफ भी यहाँ पर बताया गया है कि कितने परसेंट वाले कैंडिडेट को यहाँ पर वेटिंग में रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ भी दो कैंडिडेट को वेटिंग में रखा गया है, और इसका जो कट ऑफ है 109.16 पे है, यानी कि दोस्तों 109.16 जिस कैंडिडेट के आए हैं वो यहाँ पर वेटिंग में जो है एलिजिबल है, और इन कैंडिडेट को अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करते तो इनको यहाँ पर लिया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं म्यूजियोलॉजी के पहले वाले रिजल्ट की। तो दोस्तों, यहाँ पर 6 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, और इन 6 कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद में जो कट ऑफ है वो आपके सामने है। लेकिन दोस्तों, जब भी 6 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया था तो वो जो पेपर का यहाँ पर कट ऑफ है वो 95.12 पे था। और दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि 95.12 उस समय कट ऑफ था, लेकिन इस समय यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट निकल करके आया है इंटरव्यू का, वो 127.35 पे है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर 95 के बाद में लगभग आपके 32, यानी कि दोस्तों लगभग 32 से लेकर के यहाँ पर 33 तक जो मार्क्स है वो इंटरव्यू में बढ़ चुके हैं। और दोस्तों, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि 21 से लेकर 30 तक यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि 2-3 नंबर ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं वेटिंग लिस्ट वाले नंबर की, तो दोस्तों वेटिंग यहाँ पर 109 पे ही रहेगी। इसका मतलब दोस्तों, दो कैंडिडेट के बाद में सीधा 127 से 109 पे कट ऑफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वो दो ही कैंडिडेट है जो 127 पे हैं, बाकी ये जो दो कैंडिडेट है वो 109 पर हैं, और इसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जा सकता है। लेकिन फाइनल अभी जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब दोस्तों, जो दूसरा सब्जेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है सितार का, वो रिजल्ट यहाँ पर जारी हुआ है, और इसका जो कट ऑफ है इंटरव्यू के बाद में, यहाँ पर लगभग 4 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें दोस्तों जनरल मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 94 पे गई है, और OBC जनरल यानी कि मेल की जो कट ऑफ है वो 81.13 पे गई है। तो दोस्तों, ये तो थी मुख्य सूची। अब इसकी जो रिजर्व सूची है वो, यानी कि वेटिंग लिस्ट है, वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, वेटिंग में यहाँ पर 4 कैंडिडेट को रखा गया है, जिनमें जनरल की जो कट ऑफ है मेल और फीमेल की अलग अलग है, यानी कि मेल की तो 80.27 पे है, और जनरल की जो वीमेन है यानी कि महिला, उसकी 69.49 पे कट ऑफ है, और OBC का जो मेल है उसकी 72.09 पे यहाँ पर कट ऑफ है। अब दोस्तों, ये तो है वेटिंग लिस्ट वालों की कट ऑफ, और जो पहले कट ऑफ गया था, यानी कि जब इंटरव्यू के लिए इन कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था, इनका इंटरव्यू यहाँ पर इनको शॉर्टलिस्ट किया था इंटरव्यू के लिए, तो 12 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था, और उस समय का जो कट ऑफ आप देख सकते हैं 47.19 और 46.79 के बीच में इनका कट ऑफ था। और वर्तमान में इनका जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं मुख्य सूची का लगभग 94, यानी कि दोस्तों लगभग यहाँ पर जो है 44 से 47 क्वेश्चन नंबर के करीब जो है यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स जो है बढ़ा है, यानी कि 44 से लेकर 47 के बीच में यहाँ पर मार्क्स जो है इंटरव्यू में फाइनल बढ़ चुके हैं। ये दोस्तों इसका मतलब है कि आपके यहाँ पर जो नंबर है बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, लगभग 20 से लेकर के या 10 से लेकर के यहाँ पर 50 से 60 तक जो नंबर आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा नंबर वाले एक दो ही कैंडिडेट होते हैं, तो यहाँ पर इसमें लगभग 44 से 47 तक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें इंटरव्यू में फाइनल मार्क्स नंबर बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स है जो बढ़ रहा है, और इंटरव्यू के बाद में ये रिजल्ट जारी किया गया है। इंटरव्यू इन दोनों ही सब्जेक्ट का कल हो चुका था, लेकिन इनका रिजल्ट आज जारी किया गया है। और दोस्तों, बाकी के जो रिजल्ट है, जैसे उर्दू के हैं, इंग्लिश के हैं, या हिंदी का जो रिजल्ट है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा, और उन कैंडिडेट का इंटरव्यू जल्द होगा, और इंटरव्यू के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी आपको बताया जाएगा।
तो दोस्तों इसमें जब तक इंटरव्यू नहीं होगा तब तक आप श्योर नहीं हो सकते कि आपका इसमें नंबर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में यहाँ पर लगभग 50 के करीब यानी कि लगभग 47 तक नंबर बढ़ चुके हैं अभी तक तो, और आगे आने वाले जो भी रिजल्ट होंगे हो सकता है कि उनमें 50 से 55 तक भी नंबर बढ़ जाएँ। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ।